हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके बच्चे को कफ की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चे की नोज़ हर वक्त ब्लॉक रहती है, उसकी चेस्ट में कफ जमा हुआ है और बहुत ज़्यादा परेशान है आप इस चीज़ को लेकर, अपने बच्चे को लेकर, तो आप इसको किस तरीके से क्योर कर सकती है, कफ को किस तरह से जड़ से आप ख़त्म कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। बात हम कर रहे हैं यहाँ पे 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, कि 1 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, अगर उनको कफ की समस्या हो जाती है, उनकी नोज़ ब्लॉक रहती है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो गया कफ की वजह से, सांस नहीं ले पाते हैं बच्चे और खड़खड़ की आवाज़ आती है, तो उनके लिए जो मैं जो उपाय बता रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं उन बच्चों के लिए क्लियर कर देती हूँ, उन पेरेंट्स के को क्लियर कर देती हूँ जिनके बच्चे 1 साल से छोटे हैं, तो वो कोई भी ऐसी चीज़ अपने बच्चे को ना खिलाएं पिलाएं जो कि बच्चे को नुकसान कर जाए। कोशिश करें, डॉक्टर से आप बात करें, लेकिन फिर भी 1 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे जो छोटे हैं उनके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, विक्स वेपर रब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चेस्ट पर, बैक पर और नोज पर लगा दें, कफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा, आप अजवाइन की पॉटली यूज़ कर सकते हैं, वो वीडियो आप प्लीज़ जरूर देखिए, अजवाइन की पॉटली कैसे बनानी है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपको आई बटन पर क्लिक करना है और आप उस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देख लें। जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको आप कुछ पिला नहीं सकते, खिला नहीं सकते, तो उनके अगर उनको कफ की समस्या, उनकी नोज ब्लॉक के है और चेस्ट में कफ जमा हो गया है, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। तो ये चीज़ें, दो चीज़ें जो मैंने आपको बता दी वो आप यूज़ करते हैं। साथ ही साथ तीसरा मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि बच्चे की नोज ब्लॉक है या चेस्ट में कफ जमा हो गया है, तो वो तीसरा क्या यूज़ कर सकते हैं, वो ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होती है, कमरे में एक नमी बन जाती है और कितना भी जो म्यूकस है नोज में भरा हुआ ब्लॉक है, वो एकदम जब बच्चा सांस लेगा तो वो पतला होकर बाहर बह जाएगा या अंदर चला जाएगा। ऐसे ही जब वो गहरी गहरी सांस लेगा, ह्यूमिडिफायर जो होता है वो कमरे में नमी प्रदान करता है, जो शुष्कपन है, जो जाम हो गया उसको वो पतला कर कर बाहर निकाल देता है। तो आप कोल्ड ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, बेस्ट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने बताया 1 साल से एबव के बच्चों को आप किस तरह से उनकी कफ की जो समस्या को जड़ से बिल्कुल ख़त्म कर सकती हैं। पहला आपको क्या करना है, जो कि मैंने छोटे बच्चों के लिए बताया, वो है कि आप विक्स यूज़ कर सकते हैं, विक्स वेपर आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। आप नोज पर, चेस्ट पर, बच्चे के तलवों पर, बच्चे के बैक पर लगा दें, वो कफ को पतला करके बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। दूसरा, आप अपने बच्चे की कैस्टर ऑयल ले लीजिए, कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप मस्टर्ड ऑयल गर्म कर लीजिए, लहसुन की कलियाँ डालकर उस ऑयल से आप अपने बच्चे की चेस्ट की अच्छे से मसाज करेंगे, तो जो कफ छाती में जमा हुआ है वो भी पॉटली के थ्रू निकल जाएगा। बच्चा मुंह से तो निकाल नहीं पाएगा, डेफिनेटली वो पतला होकर क्या होगा, पॉटली के रास्ते से निकल जाएगा। अजवाइन की पॉटली सेम आप छोटे बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े बच्चों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। बड़े बच्चों को आप पिलाने में क्या दे सकते हैं, आप नींबू, 1 चम्मच आप नींबू लीजिए और 1 चम्मच आप शहद लीजिए, दोनों को मिलाकर अपने बच्चे को हर 2-3 घंटे बाद पिलाते रहिए, तो उससे भी जो कफ है वो निकल जाएगा, क्योंकि जो हनी होता है वो कफ को निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ ऐसे ही आपको क्या करना है कि आपको दूध में, आप बच्चों को जो भी दूध पिला रहे हैं उस दूध में आप 1 चम्मच हनी मिलाकर वो दूध अपने बच्चे को पिला दीजिए, तो कफ आराम से आपके बच्चे के जो सीने से बिल्कुल निकल जाएगा और जो कितना भी पुराना कफ है वो भी जो हनी आप दे रहे हो दूध में मिलाकर, वो कफ को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब मैं यहाँ पर बता रही हूँ सीतोपलादी चूर्ण, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि आपको डावर का मिल जाएगा, पतंजलि का मिल जाएगा, ठीक है। तो सीतोपलादी चूर्ण जो होता है वो भी कफ को, कितना भी बिगड़ा हुआ सर्दी, खांसी, जुकाम है, बुखार है या उल्टी है, फिर दस्त, बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल रहता है। लेकिन आपको अपने बच्चे को बिल्कुल ज़रा से चुटकी भर मात्रा हनी में मिलाकर देनी है, ज़रा से चुटकी भर सीतोपलादी चूर्ण लोगे, थोड़ा सा आधा चम्मच से भी आधा और थोड़ा कम कर लीजिए और उसे आप हनी में मिलाकर अपने बच्चे को दे देंगे, तो जितना भी पुराना कफ बच्चे के जमा हुआ है वो सब निकल जाएगा और खांसी में, सर्दी में, जुखाम में, फीवर में, हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करके आप देख लीजिएगा।
साथ ही साथ आप ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं, तो आप कोल्ड ह्यूमिडिफायर यूज़ करिएगा। उसकी जो गैस है, उसकी जो नमी है, जो मॉइस्चर निकलता है, वो क्या करता है, बच्चे की जो ब्लॉक नोज को ओपन कर देता है। ठीक है, बच्चे जब सांस लेगा तो वो जो म्यूकस है वो पतला हो जाएगा और वो नोज से बाहर निकल जाएगा, या फिर अंदर पेट के थ्रू वो बाहर पॉटी के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और जो चेस्ट में जमा हुआ है उसमें भी वो एकदम पतला होकर पॉटी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो आप ह्यूमिडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। सर्दी में जब कफ जम जाता है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। लास्ट, लहसुन की कलियाँ भूंजकर अपने बच्चे को खिला दीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी खांसी में भी और हर तरीके से भी। तो अगर आपको कफ को हटाना है, जड़ से ख़त्म करना है, तो ये सारे उपाय आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। तो डियर मॉमीज, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।